बीजेपी शासित राज्यों से लगातार मुसलमानों को प्रताड़ित करने की खबरें सामने आ रही है। पहले मुस्लिम चूड़ी वाला, फिर मुस्लिम फेरी वाले के बाद अब एक मुस्लिम डोसा वाले के ऊपर हिंदूवादी संगठन कहर बनकर के टूट पड़े हैं। कृष्ण की नगरी मथुरा से हिंदूवादी संगठनों की गुंडागर्दी एक बार फिर सामने आई है, जहां एक मुस्लिम डोसा ठेला संचालक के साथ बदसलूकी की गई है। श्रीनाथ डोसा सेंटर के नाम से दुकान का नाम रखे मुस्लिम युवक को हिंदू संगठन के लोगों ने धमकाया है, उसके ठेले पर लगे बैनर तक फाड़ दिए, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गाली गलौज करते हुए धमकाते हुए कहा कि मुस्लिम होकर श्रीनाथ के नाम पर दुकान नहीं खोल सकते हो। वहां मौजूद किसी शख्स ने मामले का वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो अब काफी ज्यादा वायरल हो चुका है। वीडियो में एक व्यक्ति ये कहते सुना जा सकता है कि ये श्रीनाथ डोसा है। एक दूसरा व्यक्ति डोसे वाले का नाम पूछता है और कहता है कि तुमने श्रीनाथ जी के नाम पर क्यों अपना नाम रखा है, ऐसा क्यों कर रहे हो, अपना नाम लिखकर चलाओ, अल्लाह का नाम लिखो, मोहम्मद का नाम लिखो, श्रीनाथ जी का नहीं लगा सकते क्योंकि तुम एक मुसलमान हो। आप मुस्लिम धर्म का होकर के हिंदू धर्म का नाम लगा रहे हैं। तमाम हिंदू भाई जो आपके यहाँ नहीं खाना चाहेंगे वो भी नाम देखकर आपके यहाँ आएंगे, ऐसा मत करो। और इतना कहते हुए इसके बाद नोचो नोचो और उतारो उतारो की आवाजें इस वीडियो से आने लगी। कुछ लोग बैनर फाड़ देते हैं तो कुछ लोग ठेले पर चढ़कर बैनर फाड़ते नजर आते हैं। डोसा वाले युवक को धमकी देते हैं कि दोबारा दुकान लगाई तो FIR और कानूनी कार्रवाई दोनों होगी। और वीडियो के अंत में ये लोग एक साथ मिलकर नारा लगाते हैं, कृष्ण भक्तों युद्ध करो, मथुरा को शुद्ध करो। भाई अपने मोहम्मद का नाम डालो ना भाई। धरन का जो धरन है वो मुस्लिम, क्योंकि ये छुपा के बैठे अपना हटा से जो भाइयों का कारोबार बिल्कुल बंद किया हुआ है, बेरोजगार ढोलते हैं और ये अपना अपना व्यापार कर रहे हैं। हमारे धर्म के नाम पर हटा इसको, हटा किस तरह ये मुस्लिम दुकान चल रही है, इसको भागो, भागो। नाम है तेरा? शर्म करते हैं। नाम बोल, नाम क्या है? फिर से नारा बोलिए, कृष्ण भक्त युद्ध करो, मथुरा को भी शुद्ध करो, कृष्ण भक्त युद्ध करो, मथुरा को भी शुद्ध करो। मतलब अब योगी राज में मुसलमान होकर हिंदू के नाम पर दुकान चलाना पाप हो चुका है। कोई व्यक्ति अगर मुसलमान है तो ये जरूरी है कि वो अपने नाम के आगे मोहम्मद या खान लगा करके घूमे, नहीं तो ये हिंदूवादी संगठन के ढोंगी हिंदुओं की जमात उन्हें जान से मार डालेगी, उनकी मॉब लिंचिंग कर देगी। इन्हें ऐसा करने में किसी का डर नहीं सताता। ये सब करके ये खुलेआम ट्विटर पर पोस्ट करते हैं और फिर दुनिया को बताते हैं कि इन्होंने आज ऐसा किया है, आज ऐसे लोगों के साथ मारपीट की, उनको सबक सिखाया है। आप लोग भी अपने आसपास ऐसा ही करें। हर एक मुसलमान को पकड़कर जो ऐसा काम कर रहा है, जो अपनी पहचान की जगह किसी और का नाम इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे मारे पीटे, उनकी लिंचिंग करें। मतलब इस देश में आज हालात इतने बदतर हो गए हैं कि आप इसका अंदाजा रोज रोज की निकल कर आ रही ऐसी खबरों से लगा सकते हैं कि आज देश कहां से कहां जा रहा है। खास करके उत्तर प्रदेश में ये गुंडागर्दी ज्यादा देखने को मिल रही है, जहां ये हिंदुत्व के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले लोग कभी नाम तो कभी हरे रंग को लेकर के विवाद छेड़ देते हैं, जबरदस्ती आधार कार्ड दिखाने को बोलते हैं और ना दिखाने पर उनकी पिटाई कर देते हैं, कभी खुलेआम नारेबाजी करते हैं तो कभी दंगा भड़काने की कोशिश। इस तरह से लगातार ये तथाकथित हिंदूवादी संगठन देश में अमन चैन खत्म कर अराजकता का माहौल कायम करने की कोशिश करते हैं, एक समुदाय को लगातार टारगेट करने की कोशिश करते हैं। और खास करके ये गुट बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में काफी सक्रिय है, जिन्हें काफी हद तक शासन और प्रशासन दोनों का ही खूब संरक्षण प्राप्त है, जिनकी आड़ में ऐसी घटना को ये अंजाम देते हैं। खैर, इस मामले में अब आरोपियों के खिलाफ कोई अब तक FIR दर्ज नहीं करवाई गई है, तहरीर मिलने पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द VPN TV।